नेचुरल सी बात है कि अगर इनको किसी चीज का इस वक्त खौफ है, डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो गुपकार अलायंस से डरते हैं कि अगर ये लोग इकट्ठे हो गए तो फिर जो इनका मंसूबा है, जो इनका सिनिस्टर प्लान है जम्मू कश्मीर को लेके, वो नाकाम हो जाएगा। जो बच्चे घरों से भागते हैं, क्योंकि ये जो माहौल बनाया है बीजेपी ने, इसकी वजह से ज्यादा लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं गुस्से की वजह से। तो वो भी दो दिन तीन दिन के बाद, अभी मिलिटेंट अभी शायद बंदूक भी नहीं उठाई होती है तो उनको भी एनकाउंटर में मारा जाता है। तो हर जगह कश्मीरियों का खून बह रहा है, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, हमारा हिंदू हो, हमारा सिख भाई हो, खून खराब हो रहा। और शायद इस खून खराबे के बलबूते पे बीजेपी को वोट मिलते हों बाकी मुल्क के अंदर कि देखो हम कश्मीर में कितना दबा रहे हैं, कितनों को जेल में डाल रहे हैं, कितनी सख्ती कर रहे हैं, तो उनको उसी पे वोट मिलते हैं। तो उनकी ये पॉलिसी चल रही है, पर इस पॉलिसी से कुछ होने वाला नहीं है। उनको आखिरकार मुफ्ती साहब की और वाजपेयी जी की हील इन टच पॉलिसी पे आना पड़ेगा।